दोस्तों, साइकिल डिस्क ब्रेक के लिए या पावर ब्रेक के लिए, ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है, या इनमें से कौन सा बेहतर होता है? देख सकते हैं कि इसमें डिस्क ब्रेक पहले से लगे हुए आए थे जो कि अब खराब हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें पावर ब्रेक लगा रखा। तो 10-12 हज़ार रेंज तक की साइकिल आती है, उनमें आपको इतने अच्छे डिस्क ब्रेक से नहीं मिल पाते, इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती। अगर आप 15-16 हज़ार तक की रेंज की साइकिल खरीदते हैं तो उसमें आपको थोड़े अच्छे डिस्क ब्रेक। तो जो डिस्क ब्रेक्स होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं और इनका रिपेयरिंग का भी कॉस्ट बहुत आता है। आपकी साइकिल का स्पीड पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी डिस्क प्लेट के साथ रगड़ते हैं। बात करें वी ब्रेक की, जिन्हें हम पावर ब्रेक भी बोलते हैं, तो ये थोड़े सस्ते होते हैं। इन्हें आप यहाँ से टाइट या लूज भी कर सकते हैं। आपके दोस्तों गुटके घिस भी जाते हैं तो आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। आप इससे इजीली कट और स्टॉपी भी मार सकते हैं। रखेगी ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का। तो कई बच्चे चाव चाव में और दूसरों को देख के डिस्क ब्रेक वाली साइकिल लाते हैं, पर फिर उनको अफसोस होता है। दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक्स तो बिल्कुल भी नहीं रहे। इसके अलावा कैलिपर्स ब्रेक भी आते हैं, उनसे ब्रेक तो लग जाते हैं पर इतने अच्छे कट नहीं लग पाते। तो इसके अलावा मैंने गियर वर्सेज नॉन गियर भी कई चीजों की वीडियोज बना रखी है, तो आप वो भी जरूर देखें। दोस्तों इसके अलावा आप इस साइकिल का रिव्यू और साइकिल खरीदते वक्त कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें।